दो बर्छे आ गया, तीन बार आते खत्म हो जाएगा, एक बार अगर छे आ गया ना जीरो हो जाएगा वो, तीन बार छे आने से ठीक है। क्यों एक बार ना लेकर अभी हम लोग खेल रहे हैं लूडो। मेरी मम्मी मोबाइल में पता नहीं सो नहीं रही है, मोबाइल चला रही है। दो खुल गई, वीडियो एक नाता तो नुगा सुस रहे बड़ा पूछ गई तेरी छ दो एक खाने के पीए कर दो खान में तो मजा आवे मम्मी है ना हार जाओगी ना कहोगी ना दोबारा खेलो मेरी नींद ना आवे रोज दे रह जा सरपे इतनी बार जीतेंगी दोबारा खेलो एक कई कट्ठे एक एक आ जाने चलू एक दो तीन चार और तू खा जाएगी एक पे खाएगी फिर चीरे में बसा देगी और आई ना मेरे दोनों तीन छः तीन और गोटी कौन है ना छः तीन चीरे मारगी चीरे चार पे तेरी खाली अच्छा मैं कुछ मेरी खा जाएगी तू तीन ये तेरी कट रही थी ना मैंने काट दी बिना बात मैंने लाके कट ना रही थी कट रही दो मेरी हरी शादी में ये भगवान काना दे दे चचा दे दे काना आगे काना चल चल और दे दे का दफा तने सब्जी खा ली पूरी किसी लागी तू खाती रहे आज मैं बैठी देखती हूँ तमाशे जी तमाशे के बारे में चार दिन तो करना एक दो तीन पाँच ये पाँच
चार, ये छह, ये चार। मैंने बेरा छह पत्ती खाई जाओ थी, मैंने छोड़ दी। कित खाए? अच्छा फिर खाई क्यों ना? मैंने मना करी थी। मैं चल कोई ना मार दी। और कौन तेरी बोटी? ना। दो। ये तेरी अंदर जाएगी। ये भी तो काट सकूं। अच्छा एक और है भीतर तेरी। और तीन एक है और एक के तो है। इसको गुटी है। ये भगवान मेरे अच्छा दे दी। अच्छा के अच्छा चल मैंने चल। रुक 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 मैं किसे लूँगी? छः पाँच तीन लड़ा चावल जी तीन ना आए। मैंने खेलती मत खेल। कोई रहती तीन ते तो रुक हारी हूँ। मन तक मन छह चाहिए बस भगवान ने छह दे दिए फटाफट। तू पहले कहती मैं जीतूंगी जीतगी मैंने कर दी। इतनी बार खाई था ना मेरी पीली के तो पाँच छह लाग ली। दो गोटी खाई है पीली और कितनी खाई गई? इन्हें भी खा गई साइड 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 पीछे लग रही थी। चल साफ से दिखे यो ना खेलू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो कि मैंने कल ख़त्म किया था वहीं से दोबारा शुरू कर दिया है ये। और अभी हम लोगों ने लूडो खेली है और ये वीडियो है 5 दिसंबर की। अभी तो काफ़ी लेट हो गया है जब मैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और लूडो खेल के बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है और फालतू में टीवी और मोबाइल में भी टाइम नहीं ज़्यादा देना चाहिए, एक हद तक ही उसको यूज़ करना चाहिए। तो बस अभी लूडो खेलने के बाद हम लोग धूप में ही बैठे हुए हैं, तो अभी मेरी मम्मी के जो पैर के नाखून हैं मैं वो काट रही हूँ। और बस अभी नाखून काट के हम लोग जाएंगे नीचे और अभी नीचे आके हम लोग इस पर पेंट करेंगे मेरे हस्बैंड। तो ये बहुत ख़राब हो गया, इस पर रखी हुई है मोटर तो ये गीला हो के जंग लग गया है, कभी टूट ना जाए इसलिए इसके ऊपर पेंट करवाएंगे। वैसे तो अभी हम लोगों ने गेट लगवाया था, वो शेयर नहीं किया था क्योंकि उस टाइम में मैं फरीदाबाद थी। तो अभी दिखाऊंगी वो गेट हमने कौन सा लगवाया है और उस पर भी पेंट हुआ था तब हम ये तभी का ये पेंट थोड़ा सा बचा हुआ है तो इस पर भी कर देंगे मेरे हस्बैंड। तो सबसे पहले तो इसकी अच्छे से सफाई करनी ज़रूरी है। तो ये मैं आप लोगों को पेंट दिखा रही थी और सबसे पहले तो प्राइमर करेंगे इसके ऊपर। और प्राइमर करने से पहले इसको अच्छे से साफ़ करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पर जंग लग गया है। और जब हमने ये लगवाया था तो उसके मतलब तब उस पर पेंट नहीं हुआ था। तो अभी मेरे हस्बैंड अच्छे से इसको मतलब इसको पूछ रहे हैं जो गीला हुआ हुआ है ये, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ये पपड़ी पपड़ी सी जमी हुई है वो निकाल रहे हैं। वो हमेशा काम करते हैं तो बहुत अच्छे से सफाई से करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि इसको अच्छे से मतलब कि साफ़ कर दिया है। अभी रेग मार है ये और इसको घिस घिस के इससे भी इसको साफ़ किया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जब भी वो काम करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, एकदम हर चीज़ को जो भी काम वो करते हैं तो या तो मना ही कर देते हैं, जब करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो इससे इसको अच्छे से घिस देंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर यहाँ पर प्राइमर होगा और प्राइमर सूखने के बाद अगले दिन इस पे पेंट होगा जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में ही। और जो ये मिट्टी वाली विंचैन देख रहे हो ये बहुत पुरानी है जो कि मैंने सूरजकुंड मेले से ली थी। और दूसरी विंचैन तो आपको पता ही है कि जो मैंने दिवाली पे दिखाई थी हमने दिवाली पे ली थी ये। और यहाँ पर हमने जो गेट लगवा दिया है जो कि अब अंदर मतलब टेंशन नहीं रहती, पूरा घर हमारा खुला था तो ये गेट हमने लगवा दिया इधर। और अभी मेरी मम्मी ने बना ली है चाय, तो मेरे लिए और अपने लिए ये मेरी मम्मी की और मेरी चाय है।
तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन सर्दी में तो अच्छी लगती है चाय, तो आप लोग भी पी लीजिए चाय। यहाँ पर जो प्राइमर है वो शुरू हो गया है, तो अभी जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने प्राइमर करना शुरू कर दिया है। कूलर के स्टैंड, तो दो कूलर के स्टैंड, एक छोटा एक बड़ा, तो उसके ऊपर दोनों के ऊपर प्राइमर करना है। अगले दिन इस पे भी पेंट करेंगे, तो अभी मैंने प्राइमर करना शुरू कर दिया है और मैं पहली बार प्राइमर कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ही किया है। फिर मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे कि सारा तो तू खराब कर रही हैगी, कितना सारा तो नीचे गिरा दिया है। और जब वो करते कर रहे थे तो एक बूंद भी नीचे टपकी नहीं है इसकी प्राइमर की, और मैंने बहुत मोटी मोटी जो लेयर होती है वो कर दी है।
ये वीडियो था अगले दिन संडे का, वो शनिवार का था, ये संडे का था। माही आ गई थी और भूमि आई है साथ में, और ये इसको छोड़ने के लिए आई है, फिर चली जाएगी। अभी मेरी मम्मी और ये दोनों मिलके खाना खा रहे हैं, और जो मेरी बहन है वो खाना बना रही है। तो चलिए अब मैं किचन में भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि वो खाना बना रही है। तो पहले सबसे पहले मैं इस कमरे में आ गई हूँ, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो खाना खा रहे थे, और आज खाने में बनी है पूरी। और हलवा तो मेरी बहन की सास ने बना के बहुत सारा भेजा था, क्योंकि माही को वहाँ का हलवा बहुत पसंद है, अपनी दादी के हाथ का हलवा उसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी बहन जो है पूरी बना रही है, और आटा मैंने गूंद दिया था सुबह, और आलू की सब्ज़ी बना दी थी, तो मैं पूरी बनाना शुरू ही कर रही थी। तो मेरी बहन बोली आके कि मैं बना लेती हूँ, तुम सबको दे दे और तू भी खा ले। तो मैं खाना खाने फिर मैं बैठ गई थी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली ग्रुप में और व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, जहाँ आपका दिल करे आप शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो को। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हमेशा ही। और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेल आइकन के साथ में। तो बस यहाँ पर जो है मेरा खाना भी लग गया है, तो आप लोग भी खा लीजिए। सेवई बनाई है, और सेवई भी मैंने बनाई थी, और चटनी थी आलू की सब्जी पूरी, आप लोग भी खा लीजिए। और इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।